आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से ही उसका निस्तारण भी हो जाता है। ज्योति मौर्या के आशिक मनीष दुबे के घर पर चला योगी का बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, आपसे को बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे अवैध कमीनी से अवैध तरीकों से इस घर को बनाया है, उसी प्रकार इसे भी धराशाही कर दिया गया। आप सभी को बता दें कि यह वही घर है जो धराशाही किया जा रहा है, मनीष दुबे का घर जो रिश्वत लेकर के बनाया गया था, क्योंकि उसके कार्यकाल की जो कमीनी है उससे कहीं ज़्यादा इस घर की लागत है, इसलिए इस घर को कहीं ना कहीं रिश्वत का घर बताया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्या की कहानी आप सभी तो जानते ही होंगे। इसके बाद ज्योति मौर्या ने भी एक घर बनाया है, उसका नंबर है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार में उन सभी दुराचारियों के घर पर चलेगा बुलडोजर जो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग दोनों आदमी ज्योति मौर्या मनीष दुबे तो ऐसा किए हैं कि आज हजारों लड़की हजारों औरतों का सपना सपना ही रह गया। लोगों ने पढ़ाना लिखाना तक बंद कर दिया अपने पत्नियों का, तो इन पर तो कार्रवाई होना जरूरी था। आपका इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन आप सबको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं मनीष दुबे कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। इससे हो सकता है कि मनीष दुबे अब सुधर भी जाए और किसी का घर बर्बाद करने का कोशिश ना करे।